हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मोगरा प्लांट्स, जो कि आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चार प्लांट्स हैं, चार पॉट्स हैं मेरे, और मेरे और भी जो है प्लांट्स हैं मोगरा के, वो है ज़मीन पर हैं। और ये जो है, ये देखिए इस तरह से बाल्टी में, जो कि पेन बकेट में मैंने डाल रखा है 20 लीटर के। और ये भी जो है ये छोटा, थोड़ा छोटा है। और ये देखिए, ये 10 इंचेस पॉट में, शायद 8 इंच पॉट है ये जो मैंने ये पॉट लेयरिंग के ज़रिए ना मैंने इसको ग्रो किया था। और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है, इसमें सारी जो है न्यू शूट्स भी निकल रही हैं। आप देख सकते हैं सारे प्लांट्स में सिर्फ इसी में जो है फ्लावरिंग हो रही है, तो इसी पर हम आज वीडियो बनाएंगे। देखिए किस तरह से ब्लूमिंग हो रही है। बस आपको करना क्या है मैं बताऊंगी कि इस तरह से फ्लावर्स लेने के लिए हमने क्या किया। ओके, तो फरवरी और मार्च के महीने में हमें कौन सा काम करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इस तरह से फूल हमें देखिए मिले, इस तरह से फूल मिलने के लिए हमें इस तरह से हमारे प्लांट्स को इस तरह की ब्लूमिंग, देखिए कितनी सारे कलियां हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ना शाम तक का वेट कर रही थी कि मैं वीडियो लूं, क्योंकि ये जो कलियां होती हैं ना वो शाम के वक्त ही जो है आपको इस तरह से दिखते हैं, और सुबह होते ही ये ना खिले हुए होते हैं। इसीलिए ना मैं शाम का वेट कर रही थी। और इसमें जो खुशबू रहती है ना, बहुत ही प्यारी, और बहुत ही इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है, और आपका आंगन ना बहुत इससे, इसकी खुशबू से खिल उठता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फरवरी और मार्च में क्या काम करने चाहिए अभी मैं बताती हूँ आपको। देखिए मैंने जो है इसको, इस पर ना मैं पहले ही वो वर्क किया था। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी लीव्स है ना इसके सारे, इसके तोड़ लेना है, इसके लीफ जो है प्रूनिंग कर लेना चाहिए, जो भी इसके टहनियाँ होते हैं ना। जैसे आप इसकी प्रूनिंग करेंगे फरवरी के स्टार्टिंग में, मतलब जैसे ही फरवरी स्टार्ट होता है ना, तो आपको इसकी सारी जो है लीव्स निकाल लेने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी इसको कुछ दिन पहले ही किया था, 1 हफ्ता हुआ है तभी इसमें सारे नए शूट्स निकल रहे हैं। और इस पर मैंने वर्क नहीं किया है, इस पे मैं आपको वर्क करके दिखाऊंगी, ठीक है। और जो आप इसको काउडंग मैनूर डाल सकते हैं प्रूनिंग के बाद, और जो आपके पास वर्मी कंपोस्ट है वो भी डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ना कैल्शियम के लिए ना एक्सेल से ना वो भी डाल सकते हैं। और जैसे कि ऐसे इस तरह से फ्लावरिंग होती है, तो आप इसको ना बनाना पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं, इससे ना इस तरह से बहुत सारे कलियाँ आपको मिलेंगे, फूल मिलेंगे। फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स के प्लांट्स हैं ना, उसमें भी आप बनाना पील फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है। तो फ्रेंड्स चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स किस तरह से इसमें है। तो अभी मैं ना इस पर जो है आपको इसकी पत्तियाँ जो है ट्रोन कर दूंगी। अभी ना शाम हो गई है ना, इसका जो वर्क है मैं अगले सुबह में आपको इसके ऊपर मैं वर्क करके दिखाऊंगी, जो भी मैंने इस पर मैंने किया था, जैसे कि इस प्लांट पर, इस पर मैं करके दिखाऊंगी। इस पर ऑलरेडी मैंने कर लिया है, इसको मैंने फर्टिलाइज नहीं किया है, इस पर दोनों काम मैं करके दिखाऊँ। ओके, अभी ना शाम हो चुकी है बहुत, इसलिए ना आपको देखिए वीडियो क्लियर भी नहीं है। तो मैं सुबह ना जैसे कि फ्लावरिंग सारे जो फूल हैं वो खिल जाएंगे,
वो भी दिखाकर मैं आपको इस पर वर्क करके दिखाऊंगी। ओके, तो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये सुबह का वक्त है, सारे जो है फ्लावर्स कितने अच्छे से खिल गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए सारे फ्लावर्स, मैंने अभी इसको तोड़े नहीं है, जैसे कि वीडियो निकालनी थी इसलिए। जैसे फूल खिलते हैं ना, तो आप इसको तोड़ लिया करें, और सारे जो इसके फ्लावर्स हो जाते हैं तो आप इसको प्रून कर लें, इस यहाँ तक कट कर लें आप, तभी ना आपको न्यू शूट्स निकलती है। ये देखें, ये डेड हो गया है, और यहाँ तक कट कर देंगे तो आप यहाँ से फिर से आपको न्यू शूट्स निकलेंगे। इसी तरह जैसे फ्लावर्स खिलने पर, ब्लूमिंग होने पर, उसको आप तोड़ लिया करें, हार्वेस्ट कर लें फ्लावर्स को, बहुत सारे फ्लावर्स निकलेंगे, कलियाँ निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपको ना फरवरी और मार्च में जो काम मैंने इसमें ना मैंने शुरुआत में फरवरी में ना इसमें मैंने जो है इसकी प्रूनिंग कर दी थी, सारे जो लीव्स हैं ना मैंने तोड़ लिए थे, जितने भी लीव्स हैं ना ये सारे के सारे जो है न्यू हैं सभी के। जैसे न्यू लीव्स आते हैं ना, नए पत्ते तो नई शाखें, उसमें से जो है आपको कलियाँ मिलती हैं मोगरा प्लांट में। और ये देखिए, इसकी जो है मैंने प्रूनिंग नहीं की है, और इसकी मैंने प्रूनिंग की है तो देखिए न्यू शूट्स निकल रहे हैं सारे। अब ना मेरे इस प्लांट में जो है सब में जो है कलियाँ निकलेंगे, सारे न्यू शूट्स हैं। तो इस पर मैंने वो काम नहीं किया ताकि मैं आपको वीडियो बना सकूं। जैसे आप फरवरी शुरू होता है ना, तो ये काम आप कर लें फरवरी मार्च में, और मेरा जो है ये इसमें जो है देर से आएंगे, क्योंकि लेट से आएंगे इसमें फ्लावर्स, क्योंकि अभी तक मैंने इसकी जो है प्रूनिंग नहीं की है, इसके पत्तों को, इसके लीव्स को मैंने तोड़ा नहीं। ये देखे सारे, देखिए डेड हो गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कलियाँ नहीं आएंगे अगर आप इसको प्रून कर लेते हैं ना सारे लीव्स, तो हमको नए लीव्स मिलेंगे, और नए लीव्स आएंगे, नए शूट्स आएंगे, तो उसमें नई कलियाँ बनेंगे हमको। ओके, तो फ्रेंड्स मैं सारे ना ये प्रून करके आपको बताती हूँ। ओके, इसमें देखिए एक भी जो है न्यू शूट्स नहीं है, नए पत्ते, ये सारे जो है ओल्ड हैं, ये सारे हम तोड़ लेंगे, सारे डेड हो गए हैं सारे, मतलब जो भी ऊपर का हिस्सा इस तरह से डेड होता है ना, वहाँ पर आपको कलियाँ नहीं आएंगी। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे लीव्स जो है निकाल लिए हैं, सारे लीव्स, और इसमें जो भी सूखी टहनियाँ हैं उसको भी आप कट कर लें। देखिए इस तरह से सूखी टहनियाँ होती है ना, ये देखिए इस तरह से आप इसको हल्के से ट्रिम कर लेंगे। अभी देखिए मैं हाथ से इस तरह से तोड़ रही हूँ, आप ना इसको कटर से या सीजर से आप इसको कट कर लें। ओके, देखिए कितने सारे लीव्स हैं, अब हमें इसको लीफ कंपोस्ट में डाल देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए हमने अच्छे से इसकी गुड़ाई कर ली है दोनों प्लांट्स की, अभी हम इसको देखिए फर्टिलाइज करेंगे, या तो कॉडंग मेन्यू, या फिर ये देखिए वर्मी कंपोस्ट। मैं ना इसमें दो भी ऐड करूँगी क्योंकि मेरे पास दोनों हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से गुड़ाई करने के बाद आप ना कॉडंग मेन्यू से इसको फर्टिलाइज कर लें अच्छे से। और थोड़ा जो है देखिए वर्मी कंपोस्ट एक मुट्ठी, इसको देखिए इस तरह से। देखिए अभी हमने इसको फर्टिलाइज कर लिया, हम इसको अच्छे से वाटर कर लेंगे। ओके, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है ना, इसमें हम बनाना पीर फर्टिलाइजर देंगे इसको। देखिए कितने सारे
फ्लावर्स और कलियां है ना। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से हैवी ब्लूमिंग के लिए पहले आप इसको ट्रिम कर लें, जो भी इसके लीव्स हैं, और इसको कटिंग कर लें। बाद में जो है इसको फर्टिलाइज करके ना, अच्छे से गुड़ाई करके इसको फर्टिलाइज़र दें, काउडंग मेनूर या फिर जो है वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट आपके पास जो भी है आप दे सकते हैं। लेकिन काउडंग मेनूर से जो है ना बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी हैवी ब्लूमिंग देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं। अभी हम इसको हार्वेस्ट भी कर लेंगे। तो कैसा लगा फ्रेंड्स हैवी ब्लूमिंग पाने के लिए? देखिए फ्लावर्स भी गिर रहे हैं कितने सारे, अभी हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। ओके, बहुत ही खुशबू रहती है इन फ्लावर्स की। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये हमारा वीडियो आपको? अगर हमारी ये वीडियो शेयरिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।